नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। 19 दिन में 11 बड़े फैसले देकर रिटायर होंगे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले वह अपने आखिरी में एक महीने में दर्जन भर चर्चित मामलों की सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस अपने रिटायरमेंट से पहले के 19 कार्य दिवस में जिन चर्चित मामलों पर फैसला सुना सकते हैं, इसमें अयोध्या, सबरीमाला मंदिर मामला, आधार, समलैंगिकता, एडल्ट्री, दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर बैन का मामला, दहेज प्रताड़ना में सेफगार्ड आदि शामिल हैं। इनमें से 11 की सुनवाई पूरी हो चुकी है। बाढ़ के बाद केरल में अब रेड फीवर का खौफ, 12 मौतों के बाद रेड अलर्ट जारी। सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रहे केरल राज्य में बाढ़ के बाद अब रेड फीवर का खौफ फैल रहा है। केरल के ज्यादातर हिस्सों से बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब वहां बुखार की परेशानी ने घर कर लिया है। इस बीमारी के कारण राज्य में अभी तक 12 मौतें हो चुकी हैं। रेड फीवर के खौफ को देखते हुए राज्य में 3 हफ्ते के लिए हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भारत ने रिफाइनर्स को दी ईरान से तेल मंगाने की इजाजत। भारत ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए रिफाइनर्स को ईरान से तेल आयात करने की इजाजत दे दी है। साथ ही अमेरिकी प्रतिबंध को देखते हुए शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया समेत अन्य बड़े तेल आयातकों को नुकसान की भरपाई करने का वादा भी किया है। भारत और चीन के इस कदम से साफ हो गया है कि नवंबर तक यह इस्लामिक राष्ट्र वैश्विक तेल मार्केट से अलग नहीं रहेगा। हैदराबाद के निजाम का सोने का टिफिन और जवाहरात जड़ा कप चोरी, 50 करोड़ रुपए कीमत होने का अनुमान। पुरानी हवेली स्थित निजाम के संग्रहालय में सोने का टिफिन बॉक्स और जवाहरात जड़ा कप चोरी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 50 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पुरातात्विक महत्व का यह सामान सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान का था। टिफिन करीब 2 किलो वजनी है, उसमें हीरे और माणिक जड़े हैं। इस संग्रहालय में करीब 450 वस्तुएं प्रदर्शनी में रखी हैं। कुछ वस्तुएं छठे निजाम मीर महबूब अली खान की हैं। हार्दिक पटेल का अनशन 11वें दिन भी जारी, अरविंद केजरीवाल उतरे समर्थन में। आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को विपक्षी पार्टियों से समर्थन मिलना जारी है। पाटीदारों के आरक्षण और किसानों की कर्ज माफी को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन आज 11वें दिन में प्रवेश कर गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हार्दिक के समर्थन में उठा रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, किसानों का कृषि ऋण माफ किया जाना चाहिए। हार्दिक पटेल किसानों के लिए लड़ रहे हैं, सभी किसान व समाज उनके साथ है, ईश्वर उन्हें ताकत दे। वर्ल्ड वाइड फंड ने गंगा को बताया दुनिया की सबसे संकटग्रस्त नदी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एनजीओ वर्ल्ड वाइड फंड WWF ने गंगा को दुनिया की सबसे संकटग्रस्त नदी करार दिया है। इसके पीछे तर्क देते हुए संस्था ने कहा कि गंगा विश्व की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदी इसलिए है क्योंकि लगभग सभी दूसरी भारतीय नदियों की तरह गंगा में भी लगातार पहले बाढ़ और फिर सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। देश में ब्लैकआउट का खतरा, बिहार, बंगाल, यूपी, दिल्ली की बत्ती हो सकती है गुल। देश के बड़े हिस्से को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित उत्तर भारत के बड़े हिस्से में भयंकर बिजली संकट पैदा हो सकता है। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में बिजली सप्लाई करने वाले NTPC के प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। NTPC के संयंत्रों से इन इलाकों में 4200 मेगावाट बिजली पैदा होती है। हालांकि ऐसे किसी भी हालत को टालने के लिए केंद्र सरकार जुटी हुई है। नमक के साथ आप खा रहे हैं प्लास्टिक, IIT बंबई के रिसर्च से हुआ खुलासा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के एक अध्ययन में देश में कई ब्रांड के नमक में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। माइक्रोप्लास्टिक वास्तव में प्लास्टिक के बहुत छोटे कण होते हैं। इनका आकार 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। पर्यावरण में उत्पाद के धीरे धीरे विघटन से इनका निर्माण होता है। IIT बंबई के सेंटर फॉर एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग की एक टीम ने जांचे गए नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक के 626 कण पाए हैं। इंडिगो ने पेश किया 10 लाख सीटों के लिए ऑफर, महज 999 रुपए में बुक करें टिकट। विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस ने 10 लाख सीटों के लिए ऑफर पेश किया है। इसके तहत 999 रुपए की शुरुआती कीमत से टिकट बुक की जा सकती है। कंपनी के मुताबिक यह सेल सीमित अवधि के लिए है, जिसमें एक तरफ की यात्रा का किराया 999 रुपए से शुरू होगा। वहीं मोबाइल वॉलेट मोबीक्विक से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 600 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। इंडिगो के इस ऑफर के तहत 3 सितंबर से 6 सितंबर तक टिकट बुक की जा सकती है, जबकि यात्रा की तारीख 18 सितंबर 2018 से 30 मार्च 2019 तक है। महेश भट्ट की फिल्म जलेबी के रोमांटिक पोस्टर पर लगा आइडिया चुराने का आरोप। जलेबी द एवरलास्टिंग टेस्ट ऑफ लव के मेकर्स ने इस फिल्म का फर्स्ट पोस्टर लॉन्च किया है। महेश भट्ट ने ट्वीट कर यह पोस्टर फैंस से शेयर किया है। हालांकि ट्विटर यूजर्स ने महेश भट्ट पर पोस्टर के लिए आइडिया चुराने का आरोप लगाते हुए ऐसी ही कई और तस्वीरें पोस्ट कर दी। पोस्टर में एक्ट्रेस ट्रेन की खिड़की से बाहर लटक कर एक्टर वरुण मित्रा के साथ रोमांस करती नजर आ रही है। ICC टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली शीर्ष पर बरकरार, पुजारा शमी भी चमके। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। कोहली ने अब तक खेले गए 4 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में कुल 544 रन बनाए हैं।
भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष 20 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की इस रैंकिंग में चेतेश्वर पुजारा छठे स्थान पर बने हुए हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।